नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मजदूरों ने मनाया भारत बचाओ दिवस तो किसानों ने दिया कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा। हमारी दूसरी खबर में हम बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर आर्टिकल 370 हटने के 2 साल बाद भी व्यापार और पर्यटन ठप। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर की किसान महापंचायत में रणनीति बनेगी, कहना है राकेश टिकैत का। ICMR अध्ययन ने पाया कोविशील्ड कोवैक्सीन की एक एक खुराक से बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 35,499 नए मामले, 447 मरीजों की मौत। 9 अगस्त यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में मेहनतकश आम लोग सड़कों पर उतरे। मजदूरों ने भारत बचाओ दिवस मनाया तो किसानों ने भी मोदी गद्दी छोड़ो कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साथ ही किसान, नौजवान, महिला और छात्र संगठनों ने भी संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन के लिए 9 अगस्त के दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये पिछले कुछ समय से किसानों और मजदूरों के आंदोलन की कड़ी में एक और विरोध प्रदर्शन है। इसी पर दिल्ली से देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। देश तभी बचेगा जब हम सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आदिवासियों ने, किसानों ने और मजदूरों ने इस देश में अंग्रेजों को चुनौती देने की पृष्ठभूमि तैयार की, बैकग्राउंड तैयार की। तो वर्कर और पीजेंट की, फार्मर की यूनिटी कोई नई नहीं है। किसान सिर्फ किसानी नहीं है, जो खेत में अनाज पैदा कर रहा है, अगर वो किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो वर्किंग क्लास जो है उसको अगर सस्ता अनाज नहीं मिलेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही कोलैप्स कर जाएगा। तो किसानी अलग, मजदूर अलग, शिक्षा अलग, ये इस रूप में अलग अलग करने की कोशिश जो है वो लगातार होती रही थी और उसी का परिणाम है कि एक एक करके अलग अलग करके बेचा गया। आज के समय पे जिस तरीके से नेशनलिज्म को डिफाइन किया जा रहा है पूरे देश भर में, चाहे वो किसानों के आंदोलन से देखा हो, मजदूरों के आंदोलन से देखा हो, आज सरकार की नीति के विरुद्ध अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई हक की अपनी बात बोल रहा है, उसको इमीडिएटली एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है, इस देश के विरोध में घोषित कर दिया जा रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इकट्ठे होकर ये जो नेशनलिज्म का डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करें और बोले कि आज इस देश के अंदर जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको आज के समय में भी 70 साल बाद, देश के स्वाधीनता के 70 साल बाद भी उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आज की लड़ाई है। हम समझते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के आंदोलन की जो अचीवमेंट्स हैं उसको मोदी की सरकार जीरो कर रही है। चाहे वो वर्कर्स की अचीवमेंट थी, पीजेंट्स की अचीवमेंट्स थी, डेमोक्रेसी की अचीवमेंट्स थी, राइट टू डिसेंट की अचीवमेंट थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अचीवमेंट्स थी, उन सारे अधिकारों पे कुठाराघात मोदी की सरकार ने किया है। तो खेती कानून के ऊपर जब हमला हुआ, लेबर कोड के ऊपर हमला हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हमला हुआ है, ये तीनों हमले इस तरह से एक जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें हम देखें कि समाज का कोई भी तबका इससे बच नहीं सकता है। अगर लेबर कोड खत्म हो रहा है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ना है, खेती पर कानून अगर है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ना है, और अगर शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति हमें अब जो वर्किंग क्लास है उसको ऊपर बढ़ने का एक आधार था, आज उसी सार्वजनिक शिक्षा को बेचने का ये अंतिम फैसला कर लिया गया है। और इसी यही वजह है कि आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ छात्र और शिक्षक भी एक साथ खड़े हुए हैं। सरकार केवल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और लोगों के विरोधी ही नहीं है, इस सरकार को हम देश विरोधी मानते हैं और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है ये उसको देश विरोधी कहते हैं। तो ठीक है ना, फिर तय हो जाएगा कि देश विरोधी कौन है। इसलिए हम जो स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदार थे आज हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाले आखिरकार उखाड़ के फेंक दिए गए और ये कंपनी राज स्थापित कर रहे हैं,
देश के कॉरपोरेट घरानों और विदेशी कंपनियों की, तो इस कंपनी राज को हम क्यों स्वीकारेंगे। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 2 साल बाद भी जिंदगी पटरी पर उतरी नजर नहीं आती है। व्यापार और पर्यटन COVID-19 और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन की मार झेल रहा है। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह खास रिपोर्ट। ट्रस्ट मी, आजकल की मतलब अभी तक की लाइफ में दिस इज द वर्स्ट फेज ऑफ यू नो टाइम आई हैव एवर सीन। दुकान में मुलाजिम 5 थे तो अब 2 ही रह गए हैं। माल अगर 10 लाख 20 लाख का होता था अब 5 लाख का रह गया। तो बिजनेस में जो कैपिटल था वो इरोड हो चुका है। अगर हम 100 रुपया 5 तक सब पहले कमाते हैं, अभी 20 रुपया 25 रुपया अभी कमा रहे हैं। अब हम मतलब ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं, मतलब है ना, एक उम्मीद है चलो हो जाएगा, बट बिजनेस टोटली कोलैप्स हो गया। हम अपनी पूरी लाइफ में सरकारी खजान भरते हैं, लास्ट में ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, टेम्पो ट्रैवल वाला, ये जीरो होता है। इसके पास कुछ नहीं होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है जनाबी अली। देखिए, अगर आर्टिकल से पहले का बिजनेस देखेंगे ना, ठीक ठाक उतना भी नहीं था, बिकॉज वी हैव सम अनसर्टनिटीज। उससे भी पहले जो फ्लर्स थे, उसके बाद बुरहान वानी का इशू हो गया, उसके बाद बिजनेस टूरिज्म बिल्कुल फ्लैट था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 2018 में थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला टूरिज्म का। तो उसके बाद 2019 में तो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल तो वो सारा एक चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस था सारा टूरिज्म पे था। अगर आपको याद होगा, एक एडवाइजरी जारी होगी कि आप सारे टूरिस्ट आप निकलिए श्रीनगर से, मतलब सारे लोग परेशान हो गए कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, बट उसकी वजह से हम मतलब सड़क पे आ गए। हुआ तो कुछ भी नहीं, जो दावे किए थे डेवलपमेंट का, ये टूरिज्म का एक चीज़ है। जब 5 अगस्त का ये हो गया, 5 अगस्त के बाद फिर कोविड आ गया, शिकारा वाले जो बीच चीज़ें भी हैं सब अभी लॉस में। जिधर हम 100 रुपया 5 अगस्त पहले कमाते हैं, अभी 20-25 रुपये अभी कमा रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आवाज़ बुलंद कहता हूँ, हम तो कैजुअल लेबर नहीं हैं, हम डेलीवेजर नहीं हैं, हम 7th पे कमीशन नहीं मांगते हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं। हम अपनी पूरी लाइफ में सरकारी खजान भरते हैं, लास्ट में ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, टेम्पो ट्रैवल वाला, ये ज़ीरो होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है। 5 अगस्त के बाद नहीं, इनफैक्ट 3 अगस्त के बाद ही सारा रुक गया था 2019 में, और 4-5 महीने कंटिन्यूसली पूरा ही पहले बंद रहा। फिर हमने 5 दिसंबर को एक लॉस रिपोर्ट शाया किया था, जिसमें हमने 18,000 के आसपास करोड़ के पास, इट वाज अराउंड $2.5 बिलियन जो बिजनेस लॉस, ऑलमोस्ट 25% ऑफ हमारी GDP थी, वो इरोड हो गई थी उस टाइम पे। अब तो कश्मीर दिल्ली के साथ बन गया है, कुछ नहीं दिखाया हमने। हाँ, UT बन गया है, हमको टोकन टैक्स में खाली उन्होंने डबल किया है। अगर हम UT है, अगर दिल्ली में रात के 3 बजे टैक्सी ड्राइवर या बस वाला या ऑटो वाला रोड पर आएगा, वो उस वक्त भी ₹1,000 कमाएगा। हमारे इधर कश्मीर में, स्वर्गीय कश्मीर में, नसब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन सर्दी के द्वारा माइग्रेशन करते हैं, यहाँ से भागते हैं, हत्ता कि यहाँ के जानवर भी यहाँ से भागते हैं। इधर हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, कुछ खाली वादे, बस कुछ ने खोखले वादे किए हैं। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आर पार की रणनीति तैयार होगी। किसान नेता टिकैत ने रविवार शाम को नोएडा के जेवर क्षेत्र में संभवता अंडरपास के नज़दीक आयोजित किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि ये कृषि कानून किसान, मजदूर और आम जन के विरोधी है। टिकैत ने कहा कि किसान को बर्बाद करने के लिए बिना मांगे ये कृषि कानून देश के किसानों पर थोप दिए गए हैं, जिससे किसान पहले कर्ज में डूबेगा, फिर धीरे धीरे पूंजीपति किसानों से उनकी जमीन हड़पने का काम करेगी।
देश के लोग किसान आंदोलन से नहीं वैचारिक क्रांति से जुड़ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। टिकैत ने कहा कि सरकार केवल इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन बता रही है, लेकिन इसमें 550 से अधिक किसान संगठन जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह गलतफहमी छोड़ दे कि किसान थक कर घर वापस चले जाएंगे। ICMR के एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि COVID-19 रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक एक खुराक लेने से इस रोग के खिलाफ बेहतर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में 98 लोगों पर किया गया, जिनमें से 18 ने अनजाने में टीके की पहली खुराक कोविशील्ड और दूसरी खुराक कोवैक्सीन ले ली थी तथा इन दोनों टीकों की एक एक खुराक लेने से उनमें बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की एक एक खुराक लेना सुरक्षित है और इसके प्रतिकूल प्रभाव भी एक ही टीके की दोनों खुराक के समान पाया गया है। अध्ययन की एक प्री प्रिंट सर्वर मेडआर्विक्स पर अपलोड किया गया है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा, हमारी जानकारी के मुताबिक यह पहला अध्ययन है जिसमें दो अलग अलग टीकों की खुराक के असर की जानकारी दी गई है। और आखिर में हम बात करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 9 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,499 नए मामले दर्ज किए गए और 447 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी दौरान देश भर में कोरोना से पीड़ित 39,686 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 4,634 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,19,69,954 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,28,309 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.40% यानी 3,11,39,457 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.25% यानी 4,02,188 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 50,86,64,759 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 16,11,590 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 48,17,67,232 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,71,871 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।